दोस्तों, अगर आप जो है स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और उसमें इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर आप कुछ भी डाउनलोडिंग वगैरह करते हैं, बहुत सारी साइट्स वगैरह ओपन करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आपको जो है एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपके डिवाइस की सिक्योरिटी। तो दोस्तों, आपके डिवाइस की सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ओके रहेगी, एक्टिवेट रहेगी, तो क्या होगा, उससे आपके फ़ोन को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना ही आपके फ़ोन को कोई हैक कर पाएगा और ना ही आपके फ़ोन में कोई ऐसी ऐप जो है वर्क करेगी जो बिल्कुल ही हार्मफुल हो, और आपके फ़ोन में कोई भी मतलब कि आउटसोर्स जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है उनके थ्रू आपके फ़ोन में कोई डाटा लीक होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन की ही सिक्योरिटी होती है, उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी होगी, आपको बस एक चीज़ है वो एक्टिवेट करनी है अपने फ़ोन पे। तो वो कौन सी है, तो इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो यहाँ पे देखना होगा। तो दोस्तों, हर एक डिवाइस की अलग अलग सिक्योरिटी होती है, जैसे सैमसंग की अलग आएगी, MI की अलग आती है, ओप्पो, वीवो, सभी डिवाइस जो हैं वेरीफाइड हैं, सभी की सिक्योरिटी जो कंपनी है वो दे देती है, लेकिन आप वो एक्टिवेट किसने करनी है वो आपने करनी है। तो कैसे करनी है कैसे नहीं है आपको मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टैक चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला कमेंट, तो सबसे पहला कमेंट आया है हमारा रेडियक्स गेमिंग, प्लीज़ प्रमोट माई चैनल ब्रो। रेडियक्स गेमिंग भाई, प्रमोट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी करना है अपने बलबूते पे करना होता है। अगर आप किसी को प्रमोट करते हैं तो वो सब्सक्राइबर जो होते हैं, जैसे कि मैं किसी को अभी प्रमोट करूंगा तो आप उसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मतलब कि दो या तीन बंदे अगर जो मुझे मेरे फ़ैन हैं वो शायद कर भी लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो भी करना है, कंटेंट बनाना है अपने, अच्छे तरीके से बनाइए। सो भाई, मैं आपको प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रमोट करने से कुछ नहीं होता है, और जो भी होता है अपने बलबूते पे होता है, तो आपने मेहनत करनी है, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड कमेंट आता है हमारा कमलेश कुमार का, ठीक है। RK सर, मैं ऐड आने से बहुत परेशान हो गया हूँ, बार बार नेट चालू करते ही ऐड आते हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। कमलेश भाई, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम मैं भी खुद झेल चुका हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। आपने क्या करना है, आपने अपना जो डाटा है अपने फ़ोन का वो कहीं बैकअप कर लेना, या फिर रिस्टोर कर लेना कहीं, या कहीं और आपने सेव कर लेना डाटा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने अपने डिवाइस को दो या तीन बार हार्ड रिसेट करना है, आप इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे, और आप भी अपनी सिक्योरिटी को ओपन कर लीजिए या इनेबल कर लीजिए, उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब थर्ड कमेंट की ओर चलते हैं, ठीक है। रवि कुमार सर लव, वाक्य में आप तो गुरु हैं RK सर जी, मैं बिहार से रवि हूँ, आपका वीडियो सच में जादू है। तो रवि कुमार भाई, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को जादू कहा, और मुझे, मैं वही कमेंट उठाता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं, या फिर मुझे कुछ सिखाने को मिलता है, या फिर आपको कुछ बताने को मिलता है, तो अब ऐसे ही कमेंट जो है उठाता हूँ। तो आप जो है अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट भी उठाऊंगा और आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने क्या कमेंट किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कमेंट्स, अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो आते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। सो दोस्तों, आपको वो सिक्योरिटी का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, तो जैसे कि मेरे पास सैमसंग का डिवाइस है, आपके पास भी सैमसंग का, या फिर कोई और कंपनी का, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, वीडियो यहाँ पे देखते रहिए, ठीक है। आपने जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको अलग अलग तरीके की डिवाइस में अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी मिलती है। मान लो कि आपके फ़ोन में सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको नहीं मिला, तो आप यहाँ पे जाके ऊपर जाके सेटिंग पे जाके सर्च कर सकते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च नहीं करूँगा, मेरे को पता है मेरे फ़ोन की सिक्योरिटी कहाँ पे मुझे मिलेगी। तो मुझे जाना होगा डिवाइस केयर पे, तो डिवाइस केयर पे जाने के बाद आपको नीचे सिक्योरिटी ऑप्शन यहाँ पे मुझे इजीली यहाँ पे मिल गया। तो सिक्योरिटी मेरी यहाँ पे डीएक्टिवेटेड है, मतलब कि मैंने भी यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को एक्टिवेट नहीं किया है, ठीक है। तो चलो इसको हम जो है एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे। तो स्कैन फोन, ये आपके फोन को स्कैन करेगा, उसके बाद तो आपके फोन को पूरा यहाँ पे स्कैन किया जाएगा कि आपके फोन में कोई हार्मफुल एप्लीकेशन तो नहीं है गलती से, या फिर आपके फोन में ऐसी कोई फाइल तो नहीं जो आपके डाटा को लीक कर रही है, या फिर आपके फोन पे एड्स वगैरह आ रही है, कुछ भी आप मतलब कि आप गड़बड़ की है, सभी यहाँ पे जो स्कैन करके जो यहाँ पे निकाल देगा। तो आपने अपने फोन यहाँ पे स्कैन करना है। तो दोस्तों, ये बैकग्राउंड में जो है स्कैन करता रहेगा, और आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे सिक्योर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने भी अपने फोन पे ये सिक्योरिटी को इनेबल कर लेना है, आपको यहाँ ऑप्शन कहीं भी मिल जाएगा, तो आप जल्दी से इस सिक्योरिटी को इनेबल कर लें। और आपको नहीं पता चलेगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दूंगा, या फिर डेडिकेटेड वीडियो एक और बना दूंगा। तो ये था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, बाय बाय।